गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं लौकी और चने की दाल की नई सब्जी। जी हाँ गाइस, लौकी और चने की दाल की सब्जी तो आपने काफी बार खाई होगी, लेकिन इस तरह से आप खाएंगे तो आपका बार बार खाने का मन करेगा। सो गाइस आप फुल वीडियो एंजॉय कीजिएगा, चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये है हमारी लौकी और चने की दाल की नई सब्जी और इसके साथ है लौकी का रायता। सो गाइस चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने मूंग दाल ली है थोड़ी सी और चना दाल ले ली है। इसको मैंने करीबन 3 से 4 घंटे भिगो दिया है। अगर आपको सुबह बनानी हो तो इसको आप ओवरनाइट भिगो के रख सकते हैं। इसको धो के अच्छे से मैंने भिगो के रख दिया था। ये देखिए कितनी अच्छी सॉफ्ट हो गई है। एक हम लौकी ले लेंगे और इसको हम छील लेंगे, और छीलने के बाद मैंने एक ग्राइंडिंग जार ले लिया है जिसमें मैंने आधी लौकी का यूज़ किया है और आधी लौकी का मैं रायता बनाऊंगी। तो इसको मैं देखिए बहुत ही रफली चॉप कर लेंगे इसको हम, और इसको ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे। और इसी में डाल देंगे हम ये दाल जो हमारी सोख की हुई रखी हुई थी। तो इसी में हमने हरी मिर्ची डाल दिया है और थोड़ा सा पानी डाला है, और इसको हम एकदम बारीक पेस्ट एकदम पीस लेंगे इसको। सो गाइस ये देखिए बढ़िया सा हमारा पेस्ट बन के रेडी हो गया है। अब ये बची है हमारी आधी वाली लौकी, इसको हम कुकर में डाल करके और थोड़ा सा पानी डाल करके करीबन 1 से 2 सीटी आने तक इसको हम अच्छे से पका लेंगे। और इधर हमारी दाल वाले लौकी में इसमें हमने हल्दी और नमक डाल दिया है। कलर अच्छा आएगा हल्दी से और नमक से अच्छा टेस्ट आ जाएगा। अब हम ग्रेवी बनाने के लिए प्याज लहसुन हरी मिर्ची अदरक और टमाटर ले लेंगे। इनको मैंने कट करके ग्राइंडिंग जार में डाल दिया है। और ले लेंगे हम ये साबुत खड़े मसाले, इसमें से हम ले लेंगे इलायची ले लेंगे ये हरी वाली, और बड़ी वाली इलायची ले लेंगे, और लौंग ले लेंगे, काली मिर्च ले लेंगे, दालचीनी ले लेंगे, और इसको हम कर देंगे बंद। और ये हमारा इसमें हमने लाल मिर्ची सूखी वाली भी डाल दी है, इसको हम पीस लेंगे। सो कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है, तेल हमने इसमें डाल दिया है, और डायरेक्ट ही हम इसको ग्रेवी के साथ ही हम इसकी सब्जी का तैयारी करेंगे। तो गाइज़ ये देखिए आप ध्यान से, मैंने जीरा हींग डाल दिया है, और उसके बाद हमने ये टमाटर प्याज वाला पेस्ट डाल दिया है और पानी डाल दिया है जिससे कि मसाला जले नहीं। और उसके ऊपर डाल देंगे हम ये जाली वाली प्लेट जिस पे मैंने ऑयल ग्रीस करके रख दिया है। और आपके पास अगर इस तरह का कोई बॉटल हो या फिर आप दूध की पन्नी हो उससे आप यूज़ कर सकते हैं, इस तरह से आप बना लीजिए। और अगर इस तरह से ना बनाना चाहें तो आप चम्मच से भी छोटे छोटे पकौड़े की शेप में आप इसको बना सकते हैं। ये देखिए इस तरह से आप पकौड़े की शेप में बना दीजिए और ये स्टीम में बनेंगे। सो गाइज आप चाहें तो इनको डीप फ्राई भी कर सकते हैं ऑयल में, लेकिन मैंने इसको कम ऑयल में ही बनाया है। सो गाइज इधर देखिए ये हमारी कुकर वाली लौकी एकदम रेडी हो गई है, और इधर हमारे देखिए ये पकौड़े जो हमने बनाए थे अभी स्टीम वाले, ये भी एकदम देखिए रेडी हो गए हैं, चिपक नहीं रहे हैं, और ये देखिए बहुत ही आसानी से ये छूट रहे हैं। तो गाइज ये देखिए हमारा मसाला जला भी नहीं है क्योंकि हमने इसमें पानी डाल दिया था, और ये देखिए कितना अच्छा सा भुन रहा है। तो गाइज़ एक साथ ही देखिए दो काम हो गए, हमारे मसाला भी हमारा भुन गया और स्टीम भी हो गए हमारे पकोड़े। तो अब हम ये मसाले डाल लेते हैं इसमें, कश्मीरी लाल मिर्च, तीखी मिर्ची और हल्दी, गरम मसाला, धनिया और नमक, कसूरी मेथी, ये हमने चीज़ें डाल दी हैं, इसको भी हम भून लेंगे। तो गाइज़ जब हम दूसरा बैच जब मैं इसमें डालूंगी तो मैंने इसमें फिर से पानी डाल दिया जिससे मसाला जले नहीं। तो गाइज़ ये देखिए ये हमारे ठंडे हो गए अच्छे से, और मैंने इनको फटाफट से निकाल दिया है, और इस जाली वाली हमने प्लेट को खाली करके दोबारा से मैंने सेकेंड बैच के लिए इसको तैयार कर दिया है। ये देखिए इस पर फिर से हम ऑयल ग्रीस करेंगे और सेकंड बैच की तैयारी कर ले रहे हैं। सो गाइस इसी तरह से आप पकौड़े छोटे छोटे बना दीजिएगा, चम्मच से बना दीजिएगा, या फिर आप हाथ से भी बना सकते हैं इस तरह से बरी। सो गाइस इस सब्जी का नाम आप लौकी चने की दाल की बरी भी दे सकते हैं, आप इस सब्जी को कोई भी नाम दे सकते हैं। ये देखिए हमारा मसाला कितना अच्छा भुन गया है। तो गाइज अब हमारा ये जो लौकी जो थी ठंडी भी हो गई है, तो अब हम इसको पीस लेंगे। ये देखिए बहुत ही आसानी से लौकी एकदम आराम से पीस जाएगी, और ये बहुत ही हेल्दी रायता हमारा बनेगा। आप इस तरह से बच्चों को रायता कभी भी खिला सकते हैं, लौकी का तो पता भी नहीं चलेगा कि बच्चों ने आज लौकी का रायता खाया है। ये देखिए इस तरह से अब मैं एकदम सादा सिंपल जो हमारा दही डेली जो जमता है वही है, इसको हमने ले लिया है, और ये है मेरे मसाले की दुनिया। जी हाँ गाइज इसमें सारे तरह के मसाले मिलेंगे। तो ये मैंने अब ये निकाल लिया है, इसमें अब हम रायता बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो मुझे इसमें नमक डालना है, मिर्ची डालना है, और ये है हमारा रायता मसाला जो कि मैंने बना करके रखा हुआ है। इसमें पुदीना है, भुना जीरा है, हींग है, तो ये मेरा रायता मसाला होममेड है, मैंने घर पे ही बनाया था। और ये हमने एकदम इसमें डाल करके और इसको मैं थोड़ा सा मिक्स कर दूंगी, तो ये हमारा रायता रेडी है। आप इसको चाहें तो अलग से आप हींग जीरे का छौंक भी ऊपर से लगा सकते हैं। तो गाइज़ मैंने देखिए इसमें हींग और जीरा वगैरह सभी चीज़ें डाली हुई थी, इसलिए मैंने नहीं लगाया।
और ये देखिए ये हमारी बरी एकदम ठंडी हो गई है, बहुत ही एकदम देखिए सॉफ्ट बनी है। हमने सारी बरियों को बना करके तैयार कर लिया है और ये मसाला देखिए हमारा कितना ज़्यादा अच्छा हमारा भुन करके रेडी हो गया है। तो बस गाइज अब हम इसमें पानी डाल देंगे और ये बरी काफ़ी सारा पानी सूखेंगी, तो करीबन 1-1.5 गिलास पानी ज़रूर डालिएगा इसमें। और ये देखिए इसमें मैं अब इसको डाल दूँगी और इसको मैं अब करीबन 10 मिनट तक करीबन इसको मैं पकने दूंगी, पानी है तो पकना अच्छे से चाहिए। सो गाइस ये देखिए लिपटा हुआ हमारी एकदम बरी से एकदम लिपटा हुआ मसाला बना है, एकदम ग्रेवी देखिए कितनी ज़्यादा टेस्टी बनी है। सो गाइस आप देख सकते हैं लौकी का तो पता भी नहीं चला कि लौकी कहाँ है और बच्चे इस सब्जी को तो यूँ ही उंगलियाँ चाट चाट के खाएंगे। सो गाइस आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये हमारी प्लेट लग चुकी है, इसमें हमने लौकी चने की दाल की बरी की जो सब्जी थी वो लगा दी है, रोटी पे घी लगा दिया है और हमारा लौकी का हेल्दी रायता भी रेडी हो गया है। तो फिर क्यों ना इसको टेस्ट कर लिया जाए, चूँकि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बना है। सो गाइस आप टेस्ट भी करिए, खाइए भी, खिलाइए भी, बच्चों बड़ों सभी को पसंद आने वाली है। सो गाइस जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं ऐसे ही चटपटी मज़ेदार हेल्दी रेसिपी लाती रहूँगी और आप सभी के साथ शेयर करती रहूँगी। सो गाइस बनाइएगा ज़रूर, सभी को पसंद आने वाली है। डी डायमंड शॉर्ट्स भी पड़े हुए हैं उन्हें भी देखिए और इंस्टाग्राम पर भी डी डायमंड कुकिंग चैनल पड़ा हुआ है उसे भी आप देखिए और इन्जॉय कीजिए। सो गाइस मेरे चैनल पर वेज और नॉन वेज दोनों तरह की वीडियो पड़ी हुई हैं, आप एंजॉय कीजिए, कोई ना कोई टिप एंड ट्रिक आपके काम जरूर आने वाली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।